हार्दिक शुभेच्छा। गई हम भूलना जाए या अभियान अंतर्गत आम्ही आपल्यासाठी महापुरुषांचे संदेश घेऊन आले आहोत। सर्वात प्रथम आपण फुलेंचा संदेश ऐकूया। मी ज्योतिराव गोविंद फुले, आज मी तुम्हाला माझा प्रसिद्ध संदेश सांगणार आहे। विद्येविना मती गेली, मती विना निधी गेली, निधी विना गती गेली, गती विना वित्त गेले, वित्त विना शूद्र कसले, आणि एवढे अनर्थ एका अविद्येने गेले। हा संदेश तुम्ही नेहमी लक्षात ठेवा आणि कधीही विसरता कामा नये। कमाईचे पदोपद जाणून घेऊया। भीमराव आंबेडकर, माझे लग्न भीमरावांशी 1906 या वर्षी झाले। बाबासाहेब लंडनला गेले होते, त्यावेळी माझी खूप वाताहत होत होती। मी दुष्टकाळाच्या आगीत होरपडत होती। बाबासाहेबाच्या कार्यकर्त्यांनी मला पैसे देऊ केले, पण मी ते पैसे घेतले नाही। स्वाभिमानी पती चे मी स्वाभिमानी पत्नी चुकीने दुःखाशी अडचणीशी गरिबीशी भांडत होती। मी अनेक मारणे पाहिले। बाबासाहेबांच्या शिक्षणात गंध येऊ नये म्हणून त्यांना कळविले नाही। मी आपल्या निष्ठेने त्यागाने आणि कष्टाने स्वतःचा संसाराचा बाबासाहेबांच्या ध्येयात आणण्यासाठी मदत केली। माझी आपल्या सर्वांना विनंती आहे की आपण सुद्धा माझ्यापासून प्रेरणा घेऊन बाबासाहेबांचा हा रथ पुढे नेण्यास जमीन ती मदत करावी। आपण बाबासाहेबांनी आपल्याला दिलेले उद्देश जाणून घेऊया। आकांक्षाशी बाळगून आहोत, ज्याच्यासाठी आपण लढत आहोत ते काही लहान सहान संकुचित ध्येय नाही। थोडे ते नोकरीसाठी किंवा सवलतीसाठी आपला लढा नाही। आमच्या अंतकरणातील आकांक्षा फारच मोठी आहे। शासनकाठी जमात बनले हीच ती आकांक्षा होय। याला कृती ठरवण्यासाठी केवळ भगीरथ प्रयत्न करावे लागतील ते मग तुमच्या ध्यानात येईल। केवळ निवेदनांचा किंवा शब्दांचा काही उपयोग होणार नाही। मार्गावर चालूया हीच अपेक्षा। जय भीम, जय भारत। सभी साथियों को जय भीम। वैसे ही 66वें धम्म चक्र प्रवर्तन दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। कहीं हम भूल ना जाए, इस अभियान के अंतर्गत आज यहाँ पर आप देख रहे हैं यह बच्चे एक हमारे महापुरुषों का संघर्ष बताने के लिए यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आज देश विदेशों से और पूरे भारत से सभी बाबा साहब के फॉलोवर्स, हमारे महापुरुषों के फॉलोवर्स जहाँ आते हैं ताकि वह यहाँ से कुछ प्रेरणा ले जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सारे ही सभी जो भी यहाँ पर फॉलोवर्स आ रहे हैं बाबा साहब के, उनके खाने की और पीने की अरेंजमेंट काफ़ी अच्छी तरीके से हो रही है। तो हम ये चाहते हैं कि सिर्फ पेट का खाना ना दिया जाए और साथ में लोगों को बुद्धि का भी जो है खाना दिया जाए। इसलिए यह बच्चे बाबा साहब का खुले का रमाई का संदेश लेकर आए हैं और वो आज लोगों को बता रहे हैं कि इस दीक्षा भूमि पर वो जो आए हुए हैं तो यहाँ से बाबा साहब ने हमारे जीवन का जो संदेश हमें बताया है, हमें जीवन का उद्देश्य बताया कि हमें इस देश का शासक बनना है और इस देश में जो एक सामाजिक क्रांति जो भगवान बुद्ध ने उस समय की थी, जिस क्रांति को महात्मा ज्योतिबा फुले ने 1848 को यहाँ पर महिलाओं की स्कूल शुरू कर उसे फिर से यहाँ जगाया था और फिर आगे हम देखते हैं शाहू जी, फुले जी और हमारे बाबा साहब जी ने, कांतिराम साहब ने भी इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया है। तो इस आंदोलन को हम और कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे। यह मैसेज भी जो है हम इस माध्यम से यहाँ पर देने के लिए कोशिश कर रहे हैं। जय भीम।